Hey guys, good morning. Welcome back to our channel. Welcome back to our vlog. So guys, अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं उठी थी 7:45 बजे. और 8:30 बज चुके हैं, मैं उठी थी 7:45 बजे और सारे लोग उठ चुके हैं. मम्मी और शिल्पी ने सुबह सुबह टंडीरा अपना पता नहीं खजाना खोला हुआ है, क्योंकि तीज का फंक्शन भी आने वाला है. तो मम्मी अब फोर्स कर रही है कि उसको तू ग्रीन साड़ी पहनना, ग्रीन बैंगल्स पहन के घूमना, क्योंकि हमारे यहाँ पे हरी चूड़ियाँ पहनते हैं उस टाइम पे और हरे कपड़े पहनते हैं ग्रीन कलर के. तो ये उठ चुकी है नन्नू. गुड मॉर्निंग करो इधर कैमरा पे. ये कब से कैमरा शाया होने लग गई भाई? अच्छा से करो, आवाज ही नहीं आई, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, तो एनर्जी नहीं है. और ये यहाँ पे हमारे सोना काका बैठे हुए हैं, जो कि अपनी जीरा टी एंजॉय करते हुए. ये मम्मी ने कहा है अभी अभी डग्गू को कि ये मैंने टीनू के दहेज के लिए लिया था. तो ये पहले कह रही मम्मी मुझे कहती है तेज शादी के लिए मैंने 8-8 7-7 लीटर के कूकर भी लिए थे. मैंने कहा रखो अपने पास उनको, मैं मेरे को मत दो. हमारे इतना खाना नहीं बनता, पता ही नहीं मम्मी को क्या रहता है. मम्मी को सुंदर लग रहा है. हाँ क्यूट सा. चलो अब मैं आपको दिखा दूं. और अभी देखो भैया आए नहीं है अपना स्टैंड यहाँ से लेने. चलो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं. आपने तो बड़ा कर लिया ऐसे बलून ऐड कर करके कर कर. गुड मॉर्निंग कर लो. और ये सब टंडीरा समेटते हुए गाइस. समेट दिया सारा? सुबह सुबह तुम पहले बताओ कर क्या रहे हो यहाँ पे टंडीरा खोल के? इसे नहीं समेट रहे तुम ये खजाना निकाल रहे हो हमारी माँ का जो तुमने अभी अभी बांध दिया सारा, जिसको तुमने अभी बांध के रख दिया कहीं पता ना चल जाए व्लॉग में. मम्मी तुम कहाँ चली अपनी पोटली लेके? मैं नहाने जा रही हूँ. चलो दहेज का सामान तो दे दिया तुमने पायल को, है ना? दहेज का सामान तो दे दिया. और क्या क्या ले रखा तुमने दहेज? बताओ क्या ले रखा, फिर बताओगी. इतना बड़ा कुकर ले रखा, क्या करेगी उस कुकर का? ये अपनी लड़की को दहेज में दूंगी. क्या करोगे उस कुकर का? मैं इतना खाना बनाएगा. बना दी इसने, वो बनाएगी नमकीन की सब्जी आने से भी पानी ठोकेगी, पानी छोकेगी. मम्मी तुम सब क्या कह रहे हो? डरा लेके बैठ गए. अरे और ये सावधान रहना पड़ा. ताला तो लगे हुए तुम्हारे पहली मम्मी, देख लो. अच्छा लगाओगे तो मम्मी से जरूरत नहीं है ना अब. खजाने का दरवाजा मम्मी ऐसी अलमारी दिखा रही है, बंद कर लो जल्दी. क्या बंद कर लो जल्दी? मम्मी बैठी है मिलना रही है, सामने से खड़ी होके कोई नहीं आ रहा मम्मी खजाना लेने. चलो और मैं आपको बता दूं, कल से अब तक मतलब कल जो मेरा वेट आया था खाने पीने के बाद वो आया था 67, और आज जो मतलब कल सुबह जो आया था और कल की जो मैंने डाइट ली थी वो इतनी खतरनाक डाइट थी, इतनी खतरनाक डाइट थी कि पहली बार मुझे मील्स लेते हुए ना ऐसा फील हुआ कि वोमिट हो जाएगी. मैंने नाइट वाली मील ली थी, नारियल और एप्पल सूप था, बहुत ही गंदा था सीरियसली. ऐसे वो हमेशा बहुत अच्छी डाइट देती हैं, वो भी बहुत अच्छा था, हेल्दी होता है, क्योंकि तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप नहीं ले पाते. तो गाइस अभी जस्ट मैं मकबैंग की एडिट कर रही थी मकबैंग वाले चैनल के लिए. एक्चुअली हमने वो वीडियो बहुत दिन पहले ही शूट कर लिया था जो नन्नू के साथ आने वाला था चैलेंज वीडियो, तो मैंने आज एडिट किया है. तो मोस्ट प्रोबेबली आज रात को 9 बजे तक मैं डाल दूंगी उसको, अगर नेटवर्क सही आया तो. बाकी देखते हैं, बाकी हो रहा है अभी एक्सपोर्ट हो रहा है. और यशु यहाँ पे ले रही है अपनी थर्ड मील, थर्ड मेड ब्रेकफास्ट. अभी हम लोग नहाए नहीं है. हाँ क्योंकि मैं भी इससे पहले अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करना चाहती हूँ, आराम से फुर्सत से मस्त लेटने का, मस्त सेब खाने का, मस्त रिड्यूस करने का. और मैं आपको बता दूँ, जो मैं सुबह बताने की कोशिश करी थी लेकिन क्या हुआ था, स्टोरेज बार बार फुल आने लग गया था. कि कल मैंने मॉर्निंग में अपना वेट चेक किया था, मेरा वेट आया था 67, और आज मैंने मॉर्निंग में अपना वेट चेक किया, मेरा वेट आप बिलीव नहीं करोगे सिर्फ 24 आवर्स में आया है 65. मतलब एक दिन में अगर 2 किलो वजन आप रिड्यूस कर रहे हो तो मैं कह रही कुछ भी पॉसिबल हो सकता है यार, कुछ भी पॉसिबल है. अगर 24 घंटे में 2 किलो वजन जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है. तो अभी आज हमारा कहीं जाने का प्लान है? मैं आपको बता दूँ कि हरिद्वार में अभी जैसे सावन चल रहा है
तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे दक्ष प्रजापति एंड का मंदिर, मतलब ये सारी चीजें हैं, हमारे शिव शंकर जी, भोले देव, भोलेनाथ, महादेव के ससुराल है, मैंने ये कल के ब्लॉग में भी बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कावड़ चलती है। बहुत सारे लोगों को कावड़ नहीं पता होगा कि क्या होती है। वो यहाँ पे बेसिकली जल भरने आते हैं और मन्नतों के ऊपर चीज होती है। बहुत लोग मन्नत करते हैं कि हम कावड़ लेके जाएंगे, हमारी ये चीज पूरी हो गई। तो कुछ लोग अपनी श्रद्धा से वैसे भी आते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक क्राउड रहता है उस चीज का। और जो कावड़ होती है, लोग उसको बहुत ज्यादा सजा के ट्रकों में अपने हाथों पे ऐसे लेके बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं। तो वो जो एक कावड़ियों की जो भीड़ होती है और वो जो एक माहौल होता है, मतलब यू नो, गाने वाने, धूम धड़ाका, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे आप लोग। तो आज शाम हम कावड़ देखने। सो गाइस, आज है लंच में चावल एंड दाल, और ऋषि कह रही दाल बहुत टेस्टी बनी है, तो मैं भी खा के देखती हूँ। किसने बनाई है? मम्मी ने बनाई है। सीक्रेट मसाले डाले हैं। क्या डाले? सीक्रेट मसाले। आप खा ही लो, एक काम करो, मैं आपकी एक्सप्रेशन शूट करना चाहती हूँ। बहुत टेस्टी है क्या? बहुत अलग टेस्ट है इस दाल का। जो मम्मी, मतलब गांव वाला स्टाइल है बिल्कुल, जो गांव का तरीका होता है ना। सीक्रेट मसाले डाले हाँ। मेरे को भी नहीं पता क्या क्या कूट रही थी। मतलब इतनी इतनी गारंटी है कि तुम ऐसे खो जाओगी टेस्ट में। यस, मैं तुम्हें तेरी शॉर्ट ही दे सकती हूँ, तुमने ये टेस्ट कभी खाया नहीं होगा दाल का। Seriously? जो आज है। तुमको पता है दाल की खुशबू लेके ना मेरा ओट्स खाने का मन नहीं किया। yes, क्योंकि क्योंकि मेरा लंच है ये, इसमें ये फ्रूट डले हैं और नीचे प्लेन ओट्स हैं जिनको बॉईल करना था। ये मेरा लंच था आज का, मतलब मैं इसको खाऊंगी अभी। बट ये दाल चावल जो बने हुए हैं ना आज, मम्मी बहुत ज्यादा। क्या क्या नहीं डाला? बस मम्मी कुछ कूट के डाल रही थी इसमें, और तो कुछ नहीं। बहुत टेस्टी है ना सच में। अच्छा बताओ, सच बताओ, आपने टेस्टी वाला खाया दाल का? दाल लो, आपके टेस्ट के लिए कह रही है। मैं तो डाल लो थोड़ी सी। मम्मी ने ना डुगू को स्पेशली क्रीम ला के दी है कि क्रीम डाल ले। तो बस ज्यादा नहीं खानी है आपको, बस मेरे नाम का भी खा लेना। जब से डुगू यहाँ आई है ना, तब से डुगू ऐसे कहती है कि ये मतलब खाना था टेस्टी मत बनाया करो यार, मेरा पेट भर जाता है, मेरा मन नहीं भरता। अरे बताना जरा, इधर बताओ ना। खा ले दे। क्यों? बहुत मजे आ रहे हैं। नीचे बैठे खा रहे हैं आज डुगू फाइनली खाना। और ये मैंने सैलेड काटा है मस्त नींबू डाल के। अपना खाना खा। मैं आपको देख देख के फील कर रही हूँ ना दाल का टेस्ट कैसा है। मेरे खाने पे नजर मत लगा। नहीं लगा रही मैं नजर आपके खाने पे, आप खा लो, मैं तो खुश हूँ अपना ये वाला खा के भी। मैम मैंने पतला हो रहा हूँ तो मुझे खुशी होती है। कोई नहीं, मैं तो खा लूंगा फिर से मम्मी से बनवा के। मम्मी तो हमेशा, मम्मी का टेस्ट हाथ का एक जैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता। वो टेस्टी दाल खा के मनमोहित हो जाए। अभी मैं आ गई हूँ छत पे, यशु तो पहले से छत पे थी क्योंकि मैं इस लड़ाई करके ऊपर आ गई थी। और अब आराम से मस्त देख लो, कानों में दोनों ईयरफोन लगा के और सुन रही है, और मौसम हो रहा है बहुत ही शानदार, जैसा कि आप देख सकते हो। रुको मैं 0.5 करके दिखाती हूँ आप। ये देखो गाइस कितना शानदार मौसम हो रहा है भाई साहब, एक नंबर। और आप, मैं इतनी तेज तेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर मार्केट में ना कावड़ जा रही है बहुत ज्यादा, तो उसका बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है म्यूजिक का, इसलिए मैं इतनी तेज तेज बोल रही हूँ। और इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है जब से नाराज होकर बैठी है। ये देख लो, ये देख लो, गाने सुन रही है। ये क्या नाटक है? गाने सुनने, मुझे गाने तो नहीं, मतलब कभी भी काम आ सकते हैं, सुनने पड़ सकते हैं। ज्यादा ना बोले मत, ठीक है? चल नीचे उतर, नीचे उतर। अच्छी हवा लग रही है, मजे आ रहे हैं। दिमाग मत खराब कर, नीचे उतर, नीचे उतर। यहाँ से ना, यहाँ तक का धक्का एक लात पड़ेगी, यहाँ से एक लात पीछे पड़ेगी, सीधा वहां जाके पड़ेगी और टीन के ऊपर पड़ेगी, सीधे उस टीन के ऊपर जाके पड़े एक लात है, लात पड़ेगे। क्या देख लो इसको, किसको देख लो? धुलाई चल रही है यहाँ पे, चल रही है धुलाई छत की। पानी बर्बाद करने कर रहे हैं और कुछ नहीं। पानी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पानी बर्बाद कर, समझ आ रही कि नहीं आ रही?
इसको सफाई करनी है तो खाई हटाए यहाँ पे हाँ। तो ब्रश लेके काई साफ करिए। आरा आरा हुआ पड़ा है उधर भी देख काई लगी पड़ी है। तो तू पानी डाल के गीला क्यों कर रही है? गीला करने की क्या जरूरत? ज्यादा पानी आ रहा है क्या? एक बार हमने ना होली खेलते हुए पानी के टैंक में घोल दिया था इसमें पानी की टंकी में। चलेगा कावड़ देखने? चलेंगे। अरे रात को चलेंगे। रात को बॉल खेलेंगे। आ गई शैतान बच्चा बॉल शैतान लड़की आ गई है। पकड़ो चलो नहीं है मैं खेलूंगी इधर दो मैं खेलूंगी। अरे दित्ता छिलो आप छिलो 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 कैसे भी छिलो आगे मजा आगे मजा दो अब दो जोर से वो कह रही रात को जाएंगे हाँ 3 करोड़ की मैंने भी देखी थी डीजे डीजे लगा पड़ा था उस पे देखो तो। सो गाइस मैंने रिया को भेज दिया पानी चलाने के लिए अभी इनके पर पानी डालूंगी मैं यशु के पर पानी डालूंगी देखने चला दे पैर भी गंदी है मजा आया नहा के ठीक है चल जोर से घूमेगी तब तो यहाँ पे लड़कियाँ छेड़ते हुए गाइस मैं दिखा नहीं सकती आपको माहौल क्या था वरना आप लोगों के भी वो हो जाते मतलब समझ रहे हो एंटरटेनमेंट हो जाता आपका बहुत ज्यादा वाला। चलो अब हम आपको कावड़ दिखाने वाले हैं तो चलो गाइस फॉलो मी टान टान टान। ये रहा वो गंजा टकला आदमी जिसके साथ हम जा रहे हैं कावड़ देखने।
ये देखो रास्ते का मजा लेते हुए ला 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 ला।